आज जस्टिस शख्सियत की ताजियत में दुनिया जमा है, उसकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा उनकी मौत के बाद ही यकीन नहीं आता कि वह आज हमारे दरमियान नहीं है। बर मौत एक हकीकत है, कोई नफ्सिन ज़ायक़त मौत मौत अटल है, वो याद है तो वो कल चला जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कल जाएगा तो उसे कल याद भी रखा जाए। लेकिन मौलाना कलाम साजिद साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हम उनकी ज़िंदगी में याद ज़िंदगी में भी याद किया जाए और बिलाशुबा उनके वफ़ात के बाद भी हमेशा याद किया जाता है। उनकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा वक्त था, वक्त था इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, तारीफ के लिए, जब हमारे कौम की पसमानदगी का, गुरबत का, उसके जवाब का जब उनको अंदाज़ा होता था तो उन्होंने कभी भी इस तहसाल से, इस तारंगेजी से, झूठे वादों से, माजी के ख्वाबों से और सियासी गिव एंड टेक से कभी काम नहीं, बल्कि उन्होंने जद्दोजहद की एक जंग की शक्ल और जवाब से, उस पासमंदगी से, उस गुरबत से निकालने के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की वो इल्म की शक्ल इदारे तय नबी के इशार हमारे जहाँ देखी जमीन वहाँ लगाए पौधे इल्म के, लखनऊ में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, जौनपुर में, हर जगह रिफाइनरी तबी इदारे तय किए। इल्म में इतना पुख्ता यकीन रखते थे कि कुरान की जो पहली आयत थी इकरार, उस पर इतना पुख्ता यकीन था कि जब भी किसी बच्चों के रूबरू होते थे तो सिर्फ यही कहते थे पढ़ो पाए पढ़ो पाए। एक आला इखलाक के मालिक थे, एक हमदर्द थे, मिलनसार इंसान थे, शरीफ़ उन्नफ़्स थे, करीब उन्नफ़्स थे। इल्म और अमल में दूरी नहीं दिखती थी, इल्म और अमल में दूरियाँ नहीं दिखती थी, ये वो शख्सियत थी। जब भी मिलता था तो हमेशा कुछ न कुछ सीखता था। यहाँ बड़े आलिमदीन बैठे हुए हैं, मोमिन की डिफिनीशन ये भी है कि मोमिन वो है जिसकी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचे और वो किसी इंसान को ईज़ा नहीं देना चाहते, वो किसी इंसान को ईज़ा देने से बचते थे और यही वजह थी कि वो इत्तेहाद की बात करते थे, यही वजह थी कि वो इत्तेहाद चाहे दो भाइयों में हो, चाहे दो गिरोहों में हो, चाहे मसलक में हो, चाहे मजहब में हो, हमेशा इत्तेहाद की बात करते, इंसानियत पर। मुझे याद है मेरा जो जाती तबीयत था कि मैं इसी में तालीम 10 साल चारदीवारी में तालीम हासिल करने के बाद जब निकला एमडी की डिग्री लेने के बाद, एक जगह मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब बेदार होते हैं सुबह, मैंने कहा 6 बजे जाता हूँ। मुझे इस बात का एहसास नहीं था, दूसरे दिन मुझसे किसी ने कहा मौलाना दरवाजे पर तशरीफ लाए, मैं जल्दी से उठा और मुझे उसको एहसास हुआ, ये सबक मिला कि ये उनकी फितरत में ये आदतें सामियाँ थी, उनकी ब्रिलियंट हैबिट थी वक्त की पाबंदी, जो मैंने उसे सीखी। उन्होंने मुझसे इशरार किया कि हमारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है इमाम ज़ैनुद्दीन हॉस्पिटल, उसमें आप कुछ वक्त देंगे और मैं उसको जाने लगा। मैं हफ्ते में दोबारा जाता था, चार तकरीबन 1 महीने बाद वो एक लिफाफा वाला मेरे पास, कहने लगे आपकी फीस है वहाँ नहीं, मुझे देख क्यों दे रही है, तो चैरिटी हॉस्पिटल है। कहने लगे चैरिटी मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना वक्त दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चैरिटी। और जिस ह्यूमिलिटी से, जिस सिंपैथी से, जिस कर्टसी से वो लोगों से मिलते थे, जो खाकसारी थी, यकीन मानिए मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। बस वही शेर याद आता है कि तेरा लहजा दे रहा है पता तेरी बुलंदी का, तेरा लहजा दे रहा है पता तेरी बुलंदी का, तेरा झुक के मिलना कह रहा है आसमां को ही है। ये उनकी शख्सियत थी। और मैं आज बड़े यकीन और बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैंने जो कुछ चंद दिनों तक उस चैरिटी हॉस्पिटल में, उनके ज़रिए से जो मैंने खिदमत की, शायद उन्हीं गरीबों की दुआ थी जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया और शफा से नवाजा। बहरहाल जिस शफक़त से, मोहब्बत से वो गरीबों नादारों के वहाँ यतीमों के सर पर हाथ रखते थे, उनके ज़िंदगी में, उनके इल्म में और अमल में मुझे कुरान की वो फिलासफी नज़र आती थी और सूरह बकरा की वो आयत याद आती थी जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि तुम लोगों पे एहसान किया करो
कि अल्लाह मोहसिन को पसंद करता है। क्या कह रहा है सुभान अल्लाह। बहरहाल हमने एक मोहसिन को दिया, एक रहनुमा को दिया, एक मसीहा को दिया, एक इंसानियत पर एक गरीब नवाज को दिया, एक इल्म का रहबर को दिया। लेकिन मैं आखिरी वक्त में उनके वसीयतनामे की आखिरी लाइन को मैं कोट करना चाहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आलम इंसानियत में दिलों को जोड़ने का काम करो ताकि भाईचारे की फिजा कायम हो और तुम आगे बढ़ सको। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए और उनकी इस नसीहत, उनकी इस वसीयत, जो मिशन ऑफ यूनिटी है, जो मिशन ऑफ ह्यूमिनिटी है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ने कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह।